मुझे नहीं पता ये वाला व्लॉग आपके सामने आएगा कि नहीं आएगा, डिपेंड्स, बट ये स्टोरी मैं अपनी खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करंट टाइम 8:30, नाहरलगुन स्टेशन पर मैं उतरा हूँ। आप मेरी ट्रेन अभी भी वहाँ देख सकते हो, 1208 शताब्दी एक्सप्रेस। रात के कुछ 8:30 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ NHLN रेलवे स्टेशन के, आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आप देख सकते हो स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा। जो मेरी ट्रेन है वो कल सुबह है 6:45 को यहाँ से खुलेगी। अब पूरी कहानी मैं ऑन कैमरा एक व्लॉग आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। चेहरे पे शायद आपको स्माइल ज़रूर दिखेगी, बट मेरी हालत ख़राब है। मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। पूरी कहानी आप देखते जाइए। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज इंडियन रेलवेज़ के साथ। आज मैं एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, बस दुआ कीजिए सब अच्छा हो। वो रहा विस्टा डोम कोच, अगर आप देख पाओ, जिसमें मैं अभी आया हूँ। फाइनली थोड़ी मगजमारी करने के बाद अब मेरे को मेरा प्राइवेट रूम दिया गया है। कॉस्टिंग, रूम टूर वगैरह वो सब मैं आपको बाद में देने वाला हूँ। पहले टाइम देख लीजिए, 8:45। प्लेटफॉर्म पे जो शॉप थी वो हो चुकी है बंद। नूडल्स वगैरह था बट उसकी क्वालिटी में दम नहीं। अब जो स्टेशन मास्टर सर हैं उन्होंने बताया है कि आगे ही एक शॉप है जहाँ पर डिनर सर्व किया जा रहा है टिल 9:30। पहले मुझे कुछ खाना दीजिए बिकॉज भूख तगड़ी लगी है। मैं अपना ये वाला लगेज यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ बिकॉज जो ये रूम है डॉमेट्री भी है बट मैंने प्राइवेट रूम लिया है। तो स्टेशन मास्टर सर ने साफ कह दिया है बिकॉज रूम की मेरे पास नहीं है तो कोई भी इंपॉर्टेंट सामान मैं अपना रूम में ना छोड़ूँ, बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे लैपटॉप गैजेट्स वगैरह मेरा सब कुछ इसमें है। तो ये वाला बैग मैं साथ लेके जा रहा हूँ और ये वाला अपना लगेज बैग यहीं रूम में छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे को दिया गया है रूम नंबर 2। पहले डिनर करने दीजिए, फिर बहुत सारी बातचीत आपसे करनी है। पूरा रूम टूर अगर आप देखते जाइए, ये वाला व्लॉग ना मतलब नेक्स्ट लेवल व्लॉग है। आप देखिएगा वन नाइट एट नाहरलगुन रेलवे स्टेशन, अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट एडवेंचर है विद इंडियन रेलवे। पीछे आप देख लीजिए नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, हल्का वुल्का ठंड है। सबसे पहले कुछ खाने दो, पूरा बैग सब कुछ जो जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं सब कुछ ले लिया है। यहाँ पर आप देखिए एक भी इंसान आपको नज़र नहीं आएगा, एक भी। इस तरफ होटल है, ये देखो इस तरफ होटल है। पहले कुछ पेट पूजा, इससे पहले वो भी बंद हो जाए पहले कुछ खाने दो, बिकॉज विस्टा डोम में मैंने लंच किया था फिर स्नैक्स था। 4-5 घंटे हो चुके हैं कुछ खाया नहीं है। यस, होपफुली यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। आप पूरी स्टोरी देखिएगा, अभी तो मैं आपको एक एक करके मेरा अभी आपको एक एक करके सब बताने वाला हूँ, एक मिनट। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ ऑर्डर की हैं, एक है मैगी और दूसरा हो गया ऑमलेट। वेदर सीरियसली आपको बता रहा हूँ, गरम एकदम खाइए, लाजवाब मैगी। आई गेस अगले 15-20 मिनट में ये भी बंद हो जाएगा, पूरा स्टेशन बंद हो जाएगा। एकदम अलग वाइब है, आज तक मेरे साथ आप भी जानते हो आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अभी तो पूरा व्लॉग देखिएगा, ठीक है। मैगी वगैरह एकदम गर्म है, इसको ख़त्म करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है स्टेशन मास्टर सर भी वहीं डिनर करके वो भी घर गए। अब रेस्टोरेंट हो रहा है बंद। आप ऊपर देखिए तिरंगा, क्या फीलिंग आती है। स्टेशन मास्टर सर साफ बोल गए स्टेशन से बाहर मत निकलिएगा रात में, कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह मत कीजिएगा। मैं डायरेक्टली सबसे पहले मेरे को रूम पर जाने दो बिकॉज जिस स्टेट में मैं हूँ काफ़ी अलग रूल्स हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा व्लॉगिंग के चक्कर में। लाइफ रिस्क पर नहीं, सबसे पहले स्टेशन के अंदर रूम पर जाने दो। रुक जाओ, वाइब बहुत अलग है यहाँ की। बाय एनी चांस अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं होटल क्यों नहीं गया हूँ, एक्चुअल क्या है कल सुबह जो ट्रेन है वो है 6:45 की, तो बोर्ड करने के लिए 6 बजे 6:45 आना पड़ेगा। फिर वहाँ से रिक्शा सुबह मिले ना मिले बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट द रूट, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि होटल बुक नहीं करेंगे। अब मैं पानी की बॉटल ले आया हूँ प्लस खाने पीने के लिए भी कुछ ले आया हूँ इनकेस अगर रात में भूख लगती है। अब सबसे पहले आपको पूरा जल्दी से एक टूर दे दूँ। जो मैंने ये रूम लिया है आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 बेड फैमिली के हिसाब से अरेंज किया गया है बिकॉज मैंने सिंगल पर्सन के लिए बुक किया है, तो इन्होंने एक ही बेड पर अगर आप देखोगे ब्लैंकेट
प्लस चादर भी है। पूरा आप देख लीजिए, सब यहाँ पर आप वाइट लाइन्स में आपको रखा हूँ। यहाँ पर ये टेबल हो गई, इस तरह ये मिरर वगैरह सब यहाँ लगेज का पूरा रखने का दिया गया है। यहाँ आपको कपूर भी दी गई है और प्लस आपको मिलेगा यहाँ पर एसी, बिकॉज दिस इज एसी रूम। यहाँ पर मैं आपको विंडो से एक बार व्यू दिखा दूँ, पूरा बाहर का व्यू देख सकते हो। वहाँ आपको सामने तिरंगा भी दिखाई देगा। ये पूरा बाहर का व्यू हो गया। इस तरफ अटैच्ड वॉशरूम आपको मिला है। इस तरफ सबसे अच्छी बात, जिस भी सीजन में आप आए हो, गर्म पानी ठंडा पानी सब आप देखिए, क्लीननेस देखिए। सबसे अच्छी बात है पूरा बाथरूम आप क्लीन देख सकते हो और रूम का भी मतलब यही होगा। रूम भी अगर आप वाइट लेंस में देखोगे कितना क्लियर रूम है, मतलब मेरे हिसाब से रेलवे स्टेशन पर अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है, दिस इज मोर देन इनफ। कॉस्टिंग का आपको बता दूं, जो मैंने पे किया है फॉर दिस होल रूम प्राइवेट में, इट इज़ 600 रुपीज़। आई गेस डॉर्मेट्री का कुछ 100 रुपीज़ है, बट बुकिंग्स आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। बट मैंने स्टेशन मास्टर सर से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे ये रूम अलॉट कर दिया है, बट आई पेड 600 रुपीज़। अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई भी रिसिप्ट नहीं मिली, आई गेस प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग, जो भी आप कह लीजिए। बट सबसे अच्छी बात है मेरे को रूम मिल गया, सबसे अच्छी बात हुआ है। यहाँ पर रूम में अंदर उतनी ठंड नहीं लग रही, बट बाहर कुछ ज़्यादा ठंड है। एटलीस्ट एक रात तो मैं अच्छे से यहाँ पे देखिए सो के एक अच्छे से निकाल पाऊँगा। आई गेस दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम, ये मेरा सेकेंड टाइम है मैं रेलवे स्टेशन पर ही रुक रहा हूँ। इससे पहले मैं शायद सवाई माधोपुर स्टेशन पर रुका था जब मैंने रणथंभौर टाइगर सफारी की थी, आई एम नॉट श्योर, हाँ जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। लगेज मेरा सेफ है, पूरा गेट पैनल लॉक कर दिया, बस अब यहाँ पे आराम से हम अब नींद पूरी कर सकते हैं। एक बात आपको बतानी और ज़रूरी है, जैसे ही मैं शताब्दी एक्सप्रेस से उतरा, फुटओवर ब्रिज क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आया, तो वहाँ पे 2-3 आर्मी के ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने पूछा कि परमिट है क्या आपके पास, बिकॉज नाउ यू हैव एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे पास तो कोई भी ऐसा था नहीं, तो मैंने परमिट नहीं निकाला था। तो वहीं पर उनका कोई ऑफिस वगैरह है, जी देखिए इन्होंने मेरा परमिट निकाला है, बिकॉज मैं क्या है कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं, तो पूरा मैं आपको नहीं दिखा सकता। एंड फॉर दिस आई हैव पेड 150 रुपीज़। मैंने अपना आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया, उन्होंने सब लिख के दिया है दैट वी हैव रिसीव्ड 150 रुपीज़। सो दिस इज़ इनर लाइन परमिट। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश आ रहे हो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज रेलवेज़ की वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि टू एंटर यू नीड इनर लाइन परमिट वगैरह। देखो मुझे जानकारी नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। सबसे अच्छी बात 150 रुपीज़ लिए और उन्होंने सब कुछ अलाउ कर दिया। ये हो गया परमिट की बातचीत। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। एक छोटा सा फर्स्ट फ्लोर का आपको एरिया और दिखा दूँ, ये देखो ये पूरा यहाँ पर डॉर्मेट्री, वहाँ पर रूम्स वगैरह, इस तरफ आप देखोगे ये सब रूम्स एंड दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द स्टेशन। यहाँ पर आप देखोगे इस तरफ आपको टिकट काउंटर मिलेगा और इस तरह का आपको मैं दिखा पाऊँ, ये देखो ये पूरा रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर दिख सकता। अभी भी हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का जो डीजल लोको है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, वो अभी भी ऑन है। आई गेस उसमें कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही है। दिस इज़ ऑसम यार, क्या फीलिंग है। देखो जो आपको स्टॉल बता रहा था वो ये वाली थी जहाँ पर नूडल्स वगैरह दिए जा रहे थे, बट ये भी बंद हो गई। पूरा रेलवे स्टेशन नाहरलगुन पे ऐसा सन्नाटा, भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, रूम में रहना ही सेफ है। पूरे स्टेशन पे एक भी आदमी नहीं है। करीब 6 आवर्स की मैं शताब्दी की जर्नी करके आया और मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, यही है यूट्यूब। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे अब मैं यहाँ पर एडिटिंग भी करने वाला हूँ, तो ये रात काफ़ी लंबी होने वाली है। अब एडिटिंग करके देखते हैं, अगर 1-2 घंटे भी मैं सो पाया ठीक है, फिर आपसे अब मेरी कल सुबह सीधी मुलाकात होगी। देखते हैं रात में मेरी आपसे कहाँ मुलाकात होगी, बिकॉज ये पक्का है नींद नहीं आने वाली, ये तो पक्का है। सबसे अच्छी बात है मौसम बहुत सही है और मुंबई कर का आपको बताइए, ऐसा ठंडा मौसम मिलता है ना, मज़ा आता है। सिर्फ दुख हल्का सा इस बात का है कि नाहरलगुन मैं दिन में नहीं आया, थोड़ा बहुत हम क्या है लोकल एक्सप्लोर करते, जितना भी टाइम मिलता करते, बट खैर कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, वापस बहुत जल्द आएंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश से बाय एनी चांस
कोई ये वीडियो देख रहा है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। आप सोच रहे होंगे मैं शायद सो गया, रात के बज रहे हैं 12:15। यहाँ पर अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूजिंग द रेल वायर। इंटरनेट का बता दूँ, वोडाफोन जियो फ़िलहाल नेटवर्क दोनों चल रहे हैं, बट इंटरनेट उतना फास्ट नहीं है, मतलब इंटरनेट चल नहीं रहा। तो मैंने अपना जो लैपटॉप है वो कनेक्ट किया है विद रेल वायर जो स्टेशन पर फ्री वाईफाई है, और क्या स्पीड मिल रही है, मेरी वीडियो क्या अपलोड हो रही है। होपफुली इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स वीडियो अपलोड हो जाएगी। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये डीजल लोको ये बंद क्यों नहीं कर रहे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आवाज़ अभी भी आ रही है, अभी भी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। ये रहा मेरा रूम, एक बार वीडियो अपलोड हो जाए तब थोड़ा माइंड फ्री होगा मेरा। रात के 12:15 स्टेशन पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसी यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, और ये आज की रात मुझे हमेशा याद रहने वाली है। सच आपको सच बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकता। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 2 एट नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। फाइनली रात निकल गई, सुबह हो चुकी है, सनराइज हो चुका है, और दिन की शुरुआत एक कड़क कॉफ़ी के साथ। अभी भी आप देख सकते हो मेरी शताब्दी एक्सप्रेस अभी ये हो गई है 12087, और इस स्टेशन से आई गेस 4 या 5 ट्रेन्स ही ओरिजिनेट होती हैं। मैं तो कहूँगा ऊपर रूम में रात को थोड़ी बहुत नींद आई, मैं सिर्फ चार घंटे कुछ सोया। अब वापस यहाँ से गुवाहाटी निकलने के लिए तैयार, वापस 6 आवर्स की जर्नी। यस आई गेस कोई और एक और ट्रेन आई शायद। यस सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग, 1 night एट नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी खड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस, खुलने का टाइम है 6:45। गुवाहाटी में पहुँचूँगा कुछ 12-1 बजे के आसपास। पहले मैंने ट्रैवल किया था विस्टा डोम में, बट इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ चेयर कार में। कोच दिया गया है C4 में 58 नंबर, बिकॉज खाने पीने का कोई भी स्ट्रेस नहीं, बिकॉज शताब्दी है तो खाना पीना कैटरिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आपसे इतना ही कहूँगा, एक कुछ अलग व्लॉग बनाया है, ज़रा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा। अगर आप ऐसे व्लॉग्स और देखना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए, DM करके बताइएगा ज़रूर। बस टाइम हुए हैं 6:05, थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर और फिर वहाँ से कहीं और। ठीक है, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। और फिर आपसे कहूँगा ये वाला व्लॉग याद रहेगा, ये दिन याद रहेंगे, 1 night एट नाहरलगुन रेलवे स्टेशन जो मैंने स्पेंड किया बहुत लंबे टाइम तक मेरे को याद रहेगा। ठीक है, निकलने के लिए तैयार।